आज मैं आपसे अपनी पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। जनरली मैं आपसे ग्रोथ, सक्सेस, फेल्योर, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता हूँ, पर आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने आया हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कुछ साल पहले की बात है, चलते हैं अपन 2017 की बात करते हैं। तो मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ एक टाइम पर पढ़ता था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी एक दिन अचानक से तबीयत खराब हो गई। हम जब यंग होते हैं तो हम एकदम बेफिक्र होते हैं, जो मिल जाए वो खा लेते हैं। घर का खाना मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है, सब्जियों से तो ऐसा मतलब 36 का आंकड़ा हमारा होता है, नफरत जैसी होती है हरी सब्जियों से। वो भी एकदम ऐसा ही था, उसने कभी अपने हेल्थ के बारे में सोचा ही नहीं। जितना जंक मिलता था फूड वो सब खा लेता था, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल स्कूल से पहले, एक स्कूल में और एक स्कूल खत्म होने के बाद, ऐसा कुछ तो उसका रूटीन था। एक्सरसाइज नाम की कोई चीज ही नहीं थी उसके लाइफ में। गेम्स पीरियड भी जब आते थे तो खेलते खेलने में वो भागने वाला दौड़ने वाला खेल खेलता ही नहीं था। आप समझ रहे हो, स्कूल के दो फ्लोर चढ़ने को बोल दो तो उसकी सांसें फुला उसकी सांसें फूल जाती थी और हालत खराब। इसी सब वजह से उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। अब हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहां कमाने वाले एक या दो ही सदस्य होते हैं, पर खर्चा करने वाले और खाने वाले अनेक। पैसा तो हमेशा से एक हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती रहा है, चैलेंज रहा है। वहीं अगर कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ऐसा लगता है घर पर पहाड़ सा टूट गया बॉस। ऐसा ही कुछ मेरे दोस्त के साथ भी हुआ जिसका मैंने आपको बताया। अचानक से ऑपरेशन, दवाइयां और बाकी चीजों का खर्चा इतना बढ़ गया था कि उसकी फैमिली हैंडल नहीं कर पा रही थी। उन्होंने फिर लोन लिया और उसके बाद उसका इलाज अच्छे से हो पाया। लोन मिल तो जाती है पर उसको वापस भी करना पड़ता है, मिलती है ना वापस देना भी तो पड़ता है। खुद में एक बहुत बड़ा टास्क होता है लोन को भरना। इस चीज से मुझे बहुत कुछ समझ आया। सबसे पहले चीज थी कि एक क्वालिटी हेल्थ केयर सबको मिलना चाहिए, सब डिजर्विंग होते हैं भाई। पर दिक्कत यह है कि अब मेडिकल एक्सपेंसेस की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अभी कोविड को ही देख लीजिए, इसका ट्रीटमेंट लाखों लग जाते हैं, कोई गिनती नहीं है। इन सब प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपने और अपने करीबी लोगों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लें, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। हेल्थ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। इसके लिए आप डिट्टो से हेल्प ले सकते हैं। डिट्टो दैट इज बैक्ड बाय ज़ेरोधा, बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई किया जाता है और ये आपको हेल्प करता है टू बाय द बेस्ट प्लान अवेलेबल इन द मार्केट। इंश्योरेंस के नाम सुनकर सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि आप ये 10 फोन करेगा और एकदम पीछे पड़ जाएगा कि आप ये पॉलिसी खरीदिए, खरीदने पर ये होगा, इसकी खास बात है और ये ऐसा कुछ नहीं करता। डिट्टो आपको परेशान नहीं करेगा। ये प्लेटफॉर्म फ्री कंसल्टेशन फॉर पॉलिसी सिलेक्शन प्रोवाइड करता है और इसमें आप सारे सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ एडवाइजर्स आपको स्पैम फ्री एडवाइस देते हैं और ऑनेस्टी तो एकदम 110% गारंटीड है बॉस। डिट्टो अभी बेसिकली हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से डील करता है। अपनी हेल्थ सिक्योर करने का डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए बॉस। इंश्योरेंस में जितनी ज्यादा उम्र होती है किस्त उतनी ज्यादा आती है, और कई बार 60 का उम्र का जो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और मिलती भी नहीं। तो अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस तो बिना किसी टाइम को लिए और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज ही करवा लो। और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बॉस। डिट्टो से आपको एंड टू एंड इंश्योरेंस हेल्प मिलेगी जिसमें आपके सारे सवाल, डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिसी खरीदना तो इंक्लूडेड है, वो बिल्कुल इजी प्रोसेस है। साथ ही डिट्टो आपको क्लेम सेटलमेंट में भी बहुत मदद करता है। तो अगर आपको डिट्टो अपने लिए सही लगे तो आप इनके एडवाइजर के साथ कॉल बुक कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर इन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं, फिर ये आपको आपके टाइम और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कॉल करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो इस इंसिडेंट ने मुझे सिखाई है वो है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जब हमें पता है कि जंक फूड खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से और हेल्थ पर ध्यान नहीं देने से आपकी तबीयत खराब होती है, क्यों नहीं हम इन सब पर ध्यान दें। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, बस सब्जी खाइए और दिन भर एक्सरसाइज करिए, लेकिन आपको आपके लिए एक लिमिट सेट करना चाहिए बॉस। मान लीजिए अगर आप एक वीक में 7 दिन पेट भरकर खाते हैं तो आप लिमिट लगाएं और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप अब बस एक वीक में 2-3 दिन बाहर ही खाना बाहर का खाएंगे। वैसे ही एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप रोज जिम चले जाएं या वेट उठाने लगे। एक्सरसाइज सिंपल चीजों से भी हो सकता है, जैसे कि नॉर्मल वॉक करके, डांस करके या स्पोर्ट्स खेल के। आपको तो अपने हाथ पैर की एक्सरसाइज करनी, कैसे भी कीजिए, अपने हाथ अपने हिसाब से चूज कीजिए। आपका हेल्थ आपका सबसे बड़ा असेट है बॉस। हेल्थ के अंदर फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों काउंट होते हैं। इस वीडियो में मैंने बस फिजिकल हेल्थ की बात की है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मेंटल हेल्थ कम इंपॉर्टेंट है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमको इन दोनों चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने हेल्थ का ध्यान दीजिए क्योंकि आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपके अंदर एनर्जी होगी टू वर्क एंड बी प्रोडक्टिव। तो आप खुद भी और अपने सारे करीबी लोगों को भी ये वीडियो दिखाइए और उनको इनकरेज करिए कि वो अपने हेल्थ का ध्यान रखें और उस पर फोकस करें।